तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है, तो वीडियो पूरा देख कर जाइए, काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो दोस्तों आज के वीडियो में भोजपुरी के उस गाने के बारे में बात करने वाला हूँ, उस गाने के बारे में बात करने वाला हूँ जिस गाने के बारे में आज तक किसी ने आपसे बात नहीं किया होगा, चाहे किया होगा भी तो उसको हम लोग साइड करते हैं। तो चलिए, हम लोग का टॉपिक है आज भोजपुरी के उस रोमांटिक गाने के बारे में जिस गाने के बारे में किसी ने किया होगा या ना किया होगा उससे मतलब नहीं है, लेकिन बैंचो आज के वीडियो में कुछ अलग होने वाला है, कुछ अलग तो जरूर होगा, देख लो। मोहतरमा, यहाँ पर आपका क्या कोई बिगाड़ लेगा, यहाँ पर आपका कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है, लेकिन बैंचो वही अगर हम जैसा सिंगल लौंडे अगर दो शादी कर लेते हैं तो बैंचो पूरा दुनिया आपके गांड के पीछे कुछ इस कदर से लग जाएगी जैसे आप बहुत बड़े क्रिमिनल हो, चाहे बहुत बड़े डकैती की हो, चाहे बहुत बड़े चोरी की हो। लेकिन इन लड़कियों के लिए कोई कानून नहीं है, इन लड़कियों के लिए कुछ भी लागू नहीं होता है, भतार बदलनी चाहे यार बदलनी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ दिक्कत है तो हम जैसे सिंगल लौंडे को। दोस्तों इस गाना को सुनने के बाद मेरे मन में ऐसा ख्याल आया कि बैंक ऐसे ऐसे सिंगर ऐसे गाना गाते क्यों हैं, तब जाके पता चला कि सिंगर के तो कोई कसूर नहीं, क्योंकि सिंगर को तो गाना लिखकर मिलता है और उसे गाना पड़ता है जिसका उनको पैसा मिलता है और उनके घर का खर्चा चलता है। तब जाके पता चला कि नहीं, सारी गलती तो सारे राइटर करते हैं। तब मुझे राइटर से मैंने कॉन्टेक्ट किया, तब पता चला कि राइटर कह रहे हैं क्या कि मैंने तो अच्छा मैं भी गाना लिखता हूं लेकिन मेरे गाना अच्छे चलते नहीं है और ऐसे गाना लिखता हूं तो काफी ज्यादा हिट करते हैं जिससे मुझे पैसे मिलते हैं। दोस्तों पता चला कि बैंचो कहीं भी सिस्टम में गलती नहीं है, सिस्टम में गलती है तो सिर्फ हमारे जैसे सिस्टम में गलती है, क्योंकि ऐसे गाने हम लोग देखते हैं और पसंद करते हैं और मजे लेते हैं कुछ ऐसे। तो दोस्तों भगवान ने हर एक इंसान को बनाया और हर एक इंसान के अंदर अलग अलग प्रकार के काबिलियत दिया, लेकिन कुछ लोग हैं कि अपनी काबिलियत को पहचान लेते हैं और काबिलियत पे मजे लेते हैं और अपनी काबिलियत से आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन बैंजो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें अपने काबिलियत के बारे में खुद ही पता नहीं होता है कि बैंजो हमें भगवान ने किस चीज के लिए बनाया और क्यों बनाया है और हमें करना क्या है, जिसके वजह से वे हमेशा पीछे के पीछे ही रह जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि कभी कभी कुछ नया ट्राई करते करते भी अपनी काबिलियत को पहचान लेते हैं, कुछ ऐसे देख लो। तो दोस्तों यह तो काबिलियत कुछ भी नहीं था, लेकिन हमारे देश की लौंडिया मतलब हमारे देश की जो भी लड़कियां हैं मतलब उनके अंदर भी कुछ टैलेंट इस तरह से कूट कूट कर भरा है, कुछ इस कदर से कूट कूट कर भरा है जिसे देखने के बाद आपके भी दिल और दिमाग खुल जाएंगे और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, नहीं हमारे देश की लड़कियां भी काफी हद तक काफी आगे तक इनका टैलेंट जाने वाला है, देखो कुछ ऐसे। तो जो मैं अगला टैलेंट दिखाने वाला हूँ, इस टैलेंट को देखने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसे लोग रातों रात भाई फेमस हो जाते हैं, रातों रात फेमस हो जाते हैं। देखो, आई एम बकरी चराने आई बट बकरी नॉट चरिंग, केवल ली ली करवाई, बकरी को खूब मारिंग बट बकरी नॉट भगिंग, केवल हम लोग को भगाई दौड़ा। इस लौंडिया ने हिंदी और इंग्लिश का कुछ इस कदर से वाट लगा दिया, जिसे देखने के बाद मैं भी सोचने पर मजबूर हो गया हूँ कि कोई अगर तरबूज से शक्ल वाले लौंडे के मुंह पर कोई बड़ा सा तरबूज फोड़ दिया गया हो। आजकल के लड़कियां और लड़के पढ़े या ना पढ़े लेकिन उनके अंदर वीडियो बनाने का कुछ इस कदर से जुनून सवार है, कि मैं बता नहीं सकता हूं, सिर्फ दिखा सकता हूं। ये मतलब वीडियो बनाने के चक्कर में कुछ क्या नहीं कर सकते हैं, देखो। सब देखने के बाद बैंचो हमारे जो हीरो हैं कुछ सिखाना चाहते हैं आप लोग को, देख लो। इधर आ। जी सर। माधुरी दीक्षित बनने आई हो, अनुशासन नहीं है, अनुशासन नहीं है। सर 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 रहने दीजिए। मान लीजिए कि दो मिनट के लिए हमारे देश की इन छोटी छोटी बच्चियों और छोटी छोटी लड़कियों के पास अनुशासन नहीं है, लेकिन बैंचो इन लोगों के पास कौन सा अनुशासन है, देख लो। लोग इतने दूर बैठे, मतलब गोवा जाओ ना, इतना दूर। हाँ क्या है ये जी, है रो पड़ी बिच, हु गिव यू दिस इन्फॉर्मेशन, ये मुझे मत छीनो, मार दूंगी मैं। So भाई ये क्या हो रहा है, मतलब ये हमारे ही साथ क्यों हो रहे हैं, मतलब इतने बड़े स्टार होकर मतलब करें मार देंगे हम तुम्हें।
मुस्कुराने की वजह तुम हो। तो दोस्तों ये मेरा छोटा सा वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। अगर चैनल पे आप लोग पहली बार आए हैं, पहली बार मतलब फर्स्ट बार आए हैं, तो चैनल के वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप मेरा वीडियो देख सकें। बाय बाय, लव यू।